हो जाएगा ना यार, बात नहीं करनी है। मैं बाहर भेज दूंगी, फिर तुम लोगों को जरूरत नहीं है तो हमें भी तुम्हारी जरूरत। नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम उत्कर्ष रहुजा है जी। मैं अटल इनोवेशन मिशन से आता हूँ, नीति आयोग से। मैं एक मेंटर हूँ, स्कूल्स को मेंटर करने का और एटीएल लैब्स को एस्टैब्लिश करने का और उन सबका ओरिएंटेशन करने का, ये मेरा काम है, ये मेरी मदद है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ जी, और उसके बाद मेरी एरोस्पेस में इंजीनियरिंग मास्टर्स है। उसके बाद फिर मैं क्या नाम है, इसरो के साथ मैंने काम किया है। मैंने क्या नाम है, इसरो से कुछ सर्टिफिकेशंस लिए हैं। मैंने डिफेंस के साथ काम किया है, ये मेरा बैकग्राउंड है जी। नमस्कार प्रिंसिपल सर। नमस्कार सर। जी सर, तो शुरुआत आपसे ही, आप लोगों से ही होगी। स्कूल की कोई प्रार्थना है तो प्रार्थना से शुरू करते हैं जी। ठीक है जी, आप प्रार्थना कोई बताएं, मैं सुनूंगा जो आपसे होगी। खड़े होके गए, आज एकादशी भी है ना, तो आज तो जन्म वाले जन्मी एकादशी है। मैं एक मंत्र बोल देता हूँ। शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सीदृशम मेघवर्ण सुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिनी वंदे विष्णु भव्य सर्वलोकैः। जय।
बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। कितनी सुंदर लाइन है कि हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारी मान हो सेवा। कितनी सुंदर लाइन थी, बहुत अच्छा लाइन जी सर। तो इसी से आज शुरू करते हैं जी। मैं मान रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। हाँ जी देख जी। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग है क्या, कौन सामने आके बताएगा? कुछ बच्चों में से मैं पूछना चाहूंगा, टीचर्स भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे ऐसे डिस्कशन पोर्टल की तरह माने और हम ये माने कि भाई हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में पूरे ओवरऑल जो हमारा विचार है, पूरा एक सारांश हमने निकाला है कि क्या है अटल इनोवेशन मिशन और क्यों हम अटल टिंकरिंग लैब को बना रहे हैं और इसका मकसद क्या है एक राष्ट्र के को आगे बढ़ाने के रूप में। तो क्या कोई क्या मानते हैं, क्या समझ है सब में यहाँ पर बच्चों में खासकर कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है और नीति आयोग क्या है? टीचर्स भी आगे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही हो, टीचर्स भी आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। नीति आयोग की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जो अपने इनोवेटिव आइडियाज को रियलाइज कर सकते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आइडियाज। सर, शुरू से एक प्रैक्टिकल अप्रोच, ये जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उनके लिए किस तरह से उसको रियल में ला सकते हैं जी। जी देखिए, सबसे ऊपर आपके प्रधानमंत्री महोदय हो गए मोदी जी, उनके अंतर्गत एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब वह राष्ट्र की नीति सब तरह की, इकोनॉमिक्स वगैरह, फाइनेंशियल सब तरह की नीतियां भाव बनती हैं। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री महोदय खुद हैं, ठीक है, और उनके जो वाइस चेयरमैन जो हैं वो सुमन बेरी साहब हैं। और नीति आयोग के अंडर एक इनिशिएटिव कहा गया अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन बेसिकली राष्ट्र की हर तरह की नवाचार करने की क्षमता को एक सपोर्ट प्रदान करता है, एक कहना चाहिए एक प्लेटफॉर्म देता है, एक उसे स्थल देता है। तो नीति आयोग के अंडर जब आपके हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं जिनका नाम है चिंतन वैष्णव जी, चिंतन वैष्णव अभी मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन के, इससे पहले रमानंद रमानाथन जी थे और अभी फिलहाल चिंतन वैष्णव जी हैं। चिंतन वैष्णव वही व्यक्ति है जिन्होंने G20 के क्या नाम है स्टार्टअप शेरपा ग्रुप को भी लीड किया है। तो अटल इनोवेशन मिशन बेसिकली हर तरह के उम्र के नवाचार को एक स्थल देने के, एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा है। अब आप मान लीजिए कि बच्चा छठी क्लास में आया नहीं, छठी से लेके 12वीं तक उन्होंने आपको ATL लैब दी है, अटल टिंकरिंग लैब, जहां कुछ 12.5 लाख रुपए स्कूल को दिया जाता है जिससे आपको इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की क्षमता बनाई जाती है। आपके पास 10,000 से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, 60 से ज्यादा सेंसर्स की टेक्नोलॉजीज होगी जो आपके पास अवेलेबल होगी, जिन्हें समझने के लिए आपको मेरे जैसे मेंटर्स को अलॉट किया गया। और इससे अलग बच्चों का विचारधारा कैसे हो, राष्ट्र की एक विचारधारा कैसे हो, एक बच्चों का थॉट प्रोसेस कैसे हो देश के प्रति, उसके लिए मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। इससे ऊपर अगर हम चले जाएंगे कॉलेज लेवल पे आ जाएंगे 18 से ऊपर, तो कॉलेज लेवल पे आपके पास जैसे मान लीजिए 12वीं क्लास के बच्चे हैं और 12वीं क्लास के बाद वो कॉलेज में आ जाते हैं तो तब वे क्या करें? तो वो अपने स्कूल से वापस जाके भी जुड़ सकते हैं और अगर उनको और आगे अपने प्रोजेक्ट लेके जाने, अपने स्टार्टअप लेके जाने, अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करनी है तो अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को आगे ले जाने के लिए उनके पास अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स भी हैं। हिमाचल में भी बड़े सारे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स भी हैं। तो इस तरह के सेंटर्स भी बनाए गए हैं राष्ट्र के लिए। अब अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स
कॉलेज के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं क्योंकि कॉलेज के अंदर ही बनाए गए होते हैं। पर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर उन इलाकों में बनाया गया है जिन्हें हम SEDG या फिर सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स कहा जाता है, जहां पे धनराशि लोगों की मतलब जहां पे इकोनॉमी थोड़ी डाउन है या फिर जहां पे इनकम का सोर्स कम है या फिर सिंपल लाइफ है, उन लोगों के लिए भी अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाए गए। यानी अगर वे वहां पे नवाचार कुछ करके लाते हैं, अगर उन्हें वहां पे प्रोत्साहन चाहिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उन्हें एक फंडिंग चाहिए, वे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर से आके जुड़ सकते हैं जहां पे उनके आइडियाज को सपोर्ट मिलेगी, मेंटरशिप प्रोवाइड होगी। इससे अलग आगे चले जाएंगे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स के बाद, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बच्चों से लेके कॉलेज के स्टूडेंट से लेके बुढ़ापे तक किसी भी तरह का कोई स्पेस है, किसी भी तरह की एज ग्रुप है, कोई भी जेंडर का व्यक्ति है, वह वहां जाके अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकता है और वहां पे इंक्यूबेशन प्राप्त कर सकता है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी ऐसा होता है, लेकिन अटल इंक्यूबेशन सेंटर ज्यादातर अपने विचारधारा मतलब स्कूल कॉलेज तक ही ज्यादातर लिमिटेड होते हैं। इससे अलग अगर बात करें और क्या है देश में, तो TIH है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स हैं। और बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स भी कहा जाता है, TBI जिन्हें कहते हैं। भारत के अंदर आज की डेट में आपकी वीडियो चली गई पर मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। भारत देश में कई सारे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स हैं। अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स बनाए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का पर्पस ये है कि आप वहां जाकर कोई नई नवाचार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या माध्यम में करना चाहते हैं, आप वहां जाके कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स जितने भी हैं वे टॉप IITs या फिर सारे IITs के अंडर आते हैं और देश में जितने भी टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है उनके अंडर आते हैं। फिर आते हैं TBIs भी दो तरीके के हैं, गवर्नमेंट वाले अलग हैं, गवर्नमेंट वाले फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं, उससे अलग आपके पास प्राइवेट TBIs भी हैं, उनके अंदर भी फिर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो सरकार ऐसा क्यों करती है और क्यों हमें एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्यों हमें एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्यों सिर्फ नौकरी करके जैसे लोग ज्यादातर करते हैं, बीटेक कर लेते हैं, बीटेक के बाद IIM में नौकरी मतलब IIM से MBA कर लेते हैं, फिर उसके बाद नौकरी करते हैं, वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स में जाके वो नौकरी करने लगते हैं और देश का फिर वो जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो भुलाने लगते हैं। तो क्या हो ऐसा कि देश में देश की जनता, देश की ही पब्लिक, देश के ही बच्चे देश के लिए वापस काम करें। तो जैसा हमारी प्रार्थना में था, सेवा ही मान है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही हमारा कर्तव्य है, सेवा ही हमारा कर्म है, तो सेवा वापस राष्ट्र के लिए कैसे हो और कैसे अब कंसल्टेंसी फर्म से हटकर हम राष्ट्र के इनोवेशन सेंटर्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल टिंकरिंग लैब्स की तरफ कैसे अपना रुख मोड़े, उसके लिए ये सारा विचारधारा, उसके लिए ही सारा एक प्रभात तैयार किया गया। तो बात करें कि बच्चों को आज की डेट में इतने सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, आपको सेंसर्स तो मिल ही गए होंगे, आपके पास मटेरियल तो आ ही गया होगा, इसके बाद आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको उन सेंसर्स को यूज करना सिखाया जाएगा। अब ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, आपको जो सेंसर्स की टेक्नोलॉजी वो सिखाने लगती है, वो टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो जाती है, भारी दुनिया के मतलब कुछ कंपोनेंट्स को दिखा के कि हमने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, ऐसा बना लिया, पर क्या वे आपके लोकल एरिया में या फिर आपकी लोकल कम्युनिटी में उसका कोई लाभ हो या उसका कोई यूज हो, वो एक बड़ा फैक्टर होता है जिसपे हमें विचार करना चाहिए। मैं राष्ट्र में कितने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं, मेरे पास आज तक अभी तक अगर मैं रिकॉर्ड जानू तो मेरे पास 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं डायरेक्टली ग्राउंड लेवल तक मैं टच कर चुका हूं एक तरीके से। अब मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि हमें किसी भी देश को या फिर कम्युनिटी को ये नहीं दिखाना है कि हमने कुछ बड़े सेंसर्स बना के हमने कुछ फैंसी कुछ बना लिया, AI यूज कर लिया, हमने कुछ फैंसी से कुछ बना लिया। हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में हमारे पास मुसीबतें क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्हें मद्देनजर रखते हुए हमें उनकी तरफ अपना रुख मोड़ना होगा और उन्हें सॉल्व करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि जो एजुकेशन वे ले रहे हैं, जो उनके पास ज्ञान स्कूल में आ रहा है, वे ज्ञान अपनी कम्युनिटी में जाके वापस लगा सके, अपनी ही कम्युनिटी को सपोर्ट कर सके, अपना ही इकोनॉमिक जोन को वो अपलिफ्ट कर सके।
हर वक्त एक विचारधारा रहती है कि मैं शहर जाऊंगा या जाऊंगी, वहां पे ये नौकरी होगी, वहां पे ऐसा होगा, मेरा एक रुतबा अच्छा होगा, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, पर वहां जाकर भी व्यक्ति अपनी नौकरी में ही अटक जाता है और फिर अपनी वो जिंदगी को वैसे ही जी रहा होता है जैसे अगर वो अपने शहर में जी रहा होता, बस हालांकि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट हुआ होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इंस्टेड हम जाके बाहर अपने आप को प्रोत्साहित करें, हम जहां हैं वहां से अपना प्रोत्साहन मेरे द्वारा या फिर और मेंटर्स के थ्रू लेकर आप अपने ही कम्युनिटी को उठाइए। इसी की विचारधारा को मैं सपोर्ट करता हूं और मैं अपनी मेंटरशिप में इसी को ही एक अपना कहना चाहिए एक स्तंभ मान के चलता हूं। इसी का मैं इसी यही मेरे पिलर है कि अपने ही कम्युनिटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना, अपने ही क्षेत्र को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना, अपने ही एरियाज में जाके लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना, उन्हीं के द्वारा फिर उन्हीं के फीडबैक पे अपने प्रोडक्ट्स या फिर क्या नाम है सर्विसेज को डेवलप करना, उसी में नवाचार लेकर आना और फिर उसी से ही फिर हम वहां के लोगों की इकोनॉमी को बेहतर करना। तो इसी विचारधारा से आज का मैं शीर्षक जो टॉपिक मैं लिखता हूँ वो मैं लिखता हूँ हाउ टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, राइट। तो अब मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ सभी से कि आपकी नजर में प्रॉब्लम क्या है, आप एक प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं, आपके लिए मुसीबत क्या हुई। मैं आपको एक मिनट दूंगा आपस में विचार विमर्श करिए, प्रॉब्लम आपके लिए क्या है, आप किसी चीज को प्रॉब्लम कहते हैं तो उसको कैसे कहते हैं कि वह प्रॉब्लम है। आप एक मिनट ले लीजिए, अपना विचार प्रस्तुत करिए, एक मिनट के अंदर आपस में डिस्कशन करिए और आप विचार बताइए। व्हाट डू यू मीन प्रॉब्लम, किसको कहते हैं, आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होती है, ऐसे होती है, एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है कई बार वो दूसरे को नहीं होती है, ऐसे की नहीं होता है, हैं? मैथ की ले लो, एक बच्चे को वो आता है और दूसरे को नहीं आता, तो पहले के लिए तो प्रॉब्लम है ना, तो उस वजह से सोचो कि व्हाट इज आवर प्रॉब्लम। और जब आपको प्रॉब्लम नजर आती है फिर यू गो फॉर सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे तो फिर इनोवेटिव आइडिया आएगा और फिर अटल थिंकिंग ग्रैब में जाओगे और उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आपने को वॉलंटरली पेश करना चाहिए, बोलने की कोशिश करो, गलती हो जाएगी तो कुछ बोलने की मतलब आजादी होनी चाहिए, ठीक है, आप बोलोगे ना प्रॉब्लम क्या है, कोई चीज सुनने को मतलब पहले सुनने को नहीं सीखना, ये बता दे मेरे सही। जी स्टूडेंट्स जी बताए, एनी कंफर्टेबल कंडीशन इन आवर लाइफ, आगे आके बताइए, ये बात आगे आ जाए, बच्चा माइक के पास आ जाए, एनी अनकंफर्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, तो कन्वीनियंस और कंफर्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, हाँ ठीक है, और कोई विचार, जब हमसे कोई काम गलत हो जाता है या फिर गलतियां हो जाती है काम में, हम कोई काम कर रहे थे उसमें कोई गलतियां हो गई, ठीक है। अगर मैं बताऊं इसमें मेरी नजर में ये है, ये इन टॉपिक्स में हम आज बात करेंगे, ठीक है। पहली जो आ गई आपके सामने वे ये है, एनी noun, verb, adjective that in its meaning, if restrains an ongoing or yet to start process is a problem.
यानी एक काम अगर शुरू हुआ है या फिर किसी काम को शुरू करना है, उस काम को करने के लिए मेरा एक मैं एक मन में विचार लेकर चला हूं, वो मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, किसी तरह की उसके बीच में अड़चन, वो अड़चन किसी नाउन एडजेक्टिव या किसी वर्ब कोई भी हो, उसको मैं बोलूंगा कि वो प्रॉब्लम है। ठीक है जी, राइट, ये सही स्टेटमेंट सबको ओके है ना? इस स्टेटमेंट के साथ कितने लोग खड़े हैं? ठीक है ना, ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है जी, एक मिनट में अपना ना लैपटॉप इधर ले आता हूं। तो कोई एग्जांपल दीजिए। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कोई एग्जांपल कोई दे सकता हो, मतलब आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम लेके चलिए। अब मैं एग्जांपल से शुरू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे अब कोई एग्जांपल लेकर आए कि हम ये काम कर रहे थे, उसके बीच में कोई अड़चन आ गई और फिर उससे हम आगे बढ़ाएंगे। कोई भी एग्जांपल आप चूज करिए। हाँ जी सर, अगर हम अपनी बात करें एज ए टीचर, तो जब हम किताब से पढ़ाते थे और ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग बनानी पड़ती थी तो प्रॉब्लम आती थी, और अभी हमारे पास व्हाइट बोर्ड है तो डायग्राम भी साथ में होता है, उसको साथ में दिखा के साथ में लिख के ड्रॉ करके बड़े अच्छे से बच्चों को बता सकते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम तो इस तरह से सॉल्व हो गई। तो ये कह सकते हैं प्रॉब्लम तो हर स्टेप में आती है और उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैम जब आप कह रहे हैं कि आपको ड्रॉ करना पड़ता था, ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं है, बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम थी कहाँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ थी? अगर मैं और प्रिसाइज कर दूं, उसको और नैरो डाउन कर दूं। प्रॉब्लम ये थी कि जो मैं डायग्राम बनाना चाहती हूँ, मैं बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ, आई एम सोनिया ठाकुर, और वो जो डायग्राम मैं बनाना चाहती हूँ वो बच्चों को पता भी नहीं होता था कि मैडम अभी क्या बनाएगी, क्या लिखेगी, और कई बार हमारे दिमाग से भी कोई बात स्किप हो जाती थी कोई पॉइंट। लेकिन अब जब डायग्राम साथ में है व्हाइट बोर्ड में और उसी डायग्राम को मैं बना रही हूँ और एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बच्चे को बहुत क्लियरली समझ में आता है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सहूलियत हुई आपको, बट अगर मैं फिर सवाल पूछता हूँ कि प्रॉब्लम तब कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि बनाने में और उसके अंदर गलती होने में आपको समय ज्यादा लग रहा है। अगर नैरो डाउन करें तो प्रॉब्लम क्या है कि समय ज्यादा लग रहा है और समय उतने समय में बच्चे को समझाना पाना आसान नहीं, 40 मिनट के यही है। तो सहूलियत हुई है तो प्रॉब्लम कब हुई है? बट प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि मुझे बनाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, उस समय के अंदर उन बच्चों को समझाने में टाइम ज्यादा लग रहा है। बड़े बड़े में प्रॉब्लम ये थी, है ना? प्रॉब्लम ऐसे डिफाइन हो, यही मैं आपको एग्जांपल से देना चाह रहा हूँ कि जब जब हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो हम प्रॉब्लम को सही से डिफाइन करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आपने कहा कि मैं जब बना रही होती थी तो मुझे बनाने में गलतियां हो जाती थी, मुझे याद नहीं रहता, क्या याद रहना ना रहना एक प्रॉब्लम है? जी है, पर क्या उसको सॉल्व करने के लिए जब हमने उस डायग्राम को लेकर आए, अब यही काम बच्चों ने करना है। जब टीचर से दिक्कत हो सकती है बोर्ड पे तो बच्चों से भी तो दिक्कत होगी पेपर में, उन्हें सारा कुछ याद कैसे होगा, पर नंबर वहां पे कम हो जाएंगे, टीचर नंबर नहीं ले रहा, तो अब प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम कहां कम हुई और कहां बढ़ी? अब ये अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को तो प्रैक्टिस करके उसको उतना लर्न करना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा। नेटवर्क में दिक्कत आई है, नेटवर्क स्लो हुआ है जी, नेटवर्क में दिक्कत आई है, एक बार नेटवर्क चेक करिए। नेटवर्क में दिक्कत आई है, नेटवर्क में दिक्कत आई थी ना? जी मैम, क्या कह रहे थे आप? मैम एक स्टेटमेंट दे रहे थे आप, प्रिंसिपल सर बोलना चाहते हैं। अच्छा, मैं आई जस्ट कंसीडर थ्री प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एट प्रेजेंट। फर्स्ट इज अबाउट टीचिंग इनोवेशंस, सेकंड अबाउट ड्रग एडिक्शन, थर्ड इज रिगार्डिंग क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस, ठीक है।
सर क्लीनिनेस से शुरू करते हैं, ठीक है। क्लीनिनेस एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्लीनिनेस। भाई हिमाचल हमारा देवभूमि है, देवभूमि में रोड के साइड में छोटे छोटे छिलके और पान के और सबके छिलके होना कभी भी अच्छा नहीं लगता, मूड अच्छा नहीं लगता, और वो अगर उड़ के नदियों में जाएगा वहां जाएगा सारा कचरा बनेगा, बहुत गलत लगता है जी। आई वुड लाइक टू से वन थिंग। जी सर। ब्रेन इज अ मार्वेलस बायो कंप्यूटर। जी। ब्रेन इज अ मार्वेलस बायो कंप्यूटर व्हिच नीड्स अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। जी सर बिल्कुल सही बात है। राइट फ्रॉम द ब्रेन वी कैन डेवलप इफ वी फेस ड्रग एडिक्शन सो वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन हैव टू थिंक लॉजिकली And it is our duty to create awareness about masses, how we have to update them to this and update ourselves. There are some innovation plans can be launched. A particular area alone, we are facing a huge problem of cleanliness because people are not aware, because they throw their garbage into the common places, which is a source of infection. So I want to develop some innovation and ideas through school and through your help, through your IT sectors and through particular all NGOs and PRIs and even the administration. How to reach the conclusion that is the main problem, please say, you can see it. जी सर, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कचरा फैला रहे हैं, जो लोग कचरा फैलाते हैं, अब ये सवाल है कि उनके संस्कारों में ऐसा क्यों है कि खा के चीजों को बाहर फेंकने की आदत है, ऐसा क्यों है, कैसे आया? अगर मूल में चले जाएंगे, अगर उसके बेस में चले जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम बनी ही कैसे? पहले क्या कारण है कि बच्चों में अभी भी आप क्या नाम है, आप कोई रैपर खोलते हैं या फिर चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो पहला जो छिलका होता है फेंक देते हैं लोग, ऐसी क्या कारण है ऐसा हम करते हैं? इस प्रॉब्लम में इंस्टीट्यूशन, ये मेरे स्कूल में भी प्रॉब्लम थी। व्हेन वी ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम, वी ट्राई टू एजुकेट देम कि हाउ टू पुट अ रैपर इन द डस्टबिन एंड एट होम एट पब्लिक प्लेसेस और इन इंस्टीट्यूशन हाउ वी कैन मेक द क्लीनेस, तो यू कैन जस्ट वी कैन रीच द कंक्लूजन कि व्हाट इज द बेस ऑफ द प्रॉब्लम। जी सर, कई क्षेत्रों में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, गाड़ी के अंदर तो हम अपना कचरा रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाइक पे है, स्कूटी पे है या फिर सुपर बाइक पे है, वहां पर भी आपके पास अपना थैला होता है लोगों के पास रखने के लिए। पर यदि अगर आप वॉक करते हुए जा रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं कि आसपास हमारे पास ज्यादातर क्षेत्रों में कचरे के डब्बे या फिर हमारे पास डस्टबिन वहां पे अवेलेबल नहीं होते, नियर अबाउट में अवेलेबल नहीं होते, हम उसको फेंक देते हैं। कुछ लोगों के अंदर एक विचारधारा भी होती है कि नहीं, हम तो जैसा कहा है उसको उल्टा करेंगे, कुछ लोगों में होता है, वो जानबूझ कर फेंकते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए जी, एक्चुअली ये जो मुझे लगता है वो अपना नहीं समझते हैं। जब अपने घर में हम नहीं फेंकते हैं ना, कि अगर मैं अपने स्कूल को पूरे को अपना समझूंगी तो मैं नहीं फेंकूंगी, और कोई जगह है उसको हम अपना नहीं समझते हैं, ऐसे लगता है कि ये दुकान है किसी और की, सड़क है नहीं है तो यहाँ फेंकूंगी, मेरे फेंकने से और भी तो फेंक रहे हैं, मेरे फेंकने से क्या होगा। तो विचारधारा अधिकार की है कि ये मेरा देश है और मुझे इस देश का ध्यान रखना है, मेरा ये क्षेत्र है, मुझे इस क्षेत्र का ध्यान रखना है, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस क्षेत्र का ध्यान रखूंगा या रखूंगी, तो ही मेरा विचारधारा, तो ही मेरा माइंडसेट ठीक रहेगा। अब ये माइंडसेट हर क्षेत्र में हर स्टूडेंट के अंदर कैसे आए और उसकी विचारधारा इस चीज को लेकर चले कि नहीं मुझे नहीं फेंकना है, वो कैसे डेवलप हो? तो प्रॉब्लम देखिए कैसे कैसे माइंडेड होती जा रही है, कितनी नैरो डाउन होती जा रही है। पहले हम कह रहे थे कि कचरा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और नीचे ले आए, कचरे से नीचे आ गए, अब हमें लग रहा है कि भाई एक व्यवहार एक प्रॉब्लम है, व्यवहार से नीचे ले आए, एक माइंडसेट एक प्रॉब्लम है, अब माइंडसेट से नीचे लाएंगे उसकी साइकोलॉजी के अंदर पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए हर एक क्षेत्र को आप अगर एक्सप्लोर करने लगते हैं, आप धीरे 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 जब उसके मूल पे जाते जाएंगे, आप साइंटिफिक माइंडसेट की तरफ अग्रसर होंगे, आपकी विचारधारा हर समय एक मैथमेटिकल एक साइंटिफिक रिगर की तरफ जाएगी, एक वैज्ञानिक अप्रोच आपकी बनने लगेगी, एक विचारधारा आपकी वैज्ञानिक बनने लगेगी, ऐसा ही होता है। ये जरूरी है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें, पहले हम उसके मूल तक पहुंचें, और जब आप उसके मूल तक पहुंचेंगे आप जानेंगे कि वहां पर उसको
सुलझाने के लिए, उस प्रॉब्लम समस्या को सुलझाने के लिए आपको साइंटिफिक मेथड्स ही जरूरी पड़ जाएंगे। और ये हर समय है जापान के अंदर। क्या करते हैं जापान के अंदर बच्चे, जैसे अभी भी कॉलेज या स्कूल्स में आप कंप्यूटर लैब में लेके जाते हैं बच्चों को, वहां से जब वो वापस जाते होंगे चेयर्स को ठीक से अरेंज कभी कभी नहीं भी करते होंगे, ज्यादातर नहीं करते। तो जापान में क्या करते हैं, वो जानबूझ के टीचर्स जाते हैं चेयर्स को उल्टा सीधा रख देते हैं और बच्चों को बोलते हैं इसको सीधा करके जाओ, वो उनसे काम लेते हैं इस तरीके से। नतीजा ये होता है कि बच्चों के अंदर संस्कार अपने आप डेवलप हो जाते हैं कि नहीं हमें तो जाकर चीजों को अच्छे से करके ही आना है। घर पे अगर बच्चा बार बार आप बोल रहे हैं या फिर स्कूल में अगर बच्चे को बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा करो नहीं कर रहा, आप उसका उल्टा कर दीजिए, फिर बोलिए कि इसको ऐसा करो, वो उसका उल्टा करके सीधा करेगा, यानी उसका उल्टा वैसे सीधा होने लगेगा, फिर उसके दिमाग में आएगा कि नहीं मुझे सही चलना है, और वहां पे जाके उसका थॉट प्रोसेस बनता है। तो प्रॉब्लम हमें समझ में आए। कोई और एग्जांपल देना चाहेगा प्रॉब्लम का? सर ने तीन एग्जांपल दिए थे, सर ने कहा था ड्रग प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम होती जा रही है देश में। तो क्या कारण है कि बच्चों को इस तरफ अग्रसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या विचारधारा है? अगर मैं बात करूं उस पर, कोई ऐसे बैठे बैठे भी बता सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर जो बच्चे पीछे हैं वो आगे आके माइक पे बोले मैं तभी सुन पाऊंगा। ये भी प्रॉब्लम है सर, ये बोलते नहीं है, पूछते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन में यही है। उनका कारण डरने का है, उनको लगता है कि अगर मैं कोई चीज गलत कह दूंगा या कह दूंगी मेरे दोस्त मेरा मिलकर मजाक बना सकते हैं, वो डर है उनमें। वो भी नहीं है इनमें, वो डरते नहीं है, कॉन्फिडेंस इतना जीरो है कि बस मैं बोलूंगा और सब हंसेंगे, इनको ये नहीं पता। देखो अगर हंस भी देंगे तो भी अच्छा, आपने सबको खुश किया, क्या बड़ी बात है। अपनी बात तो करो, अब तो बोलो, कुछ भी पूछ लो, पढ़ने में किसी को कहां प्रॉब्लम आती है, किसी को 50 नंबर आते हैं 80 नहीं आ पा रहे हैं, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। किसी को लिखने में, बोलने में है, समझने में है, स्किल्स में है, किसी भी चीज में। ये बच्चा जो है 100 नंबर ले लेता है, मेरे 50 से आते हैं। लॉजिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता था यहाँ पे कि प्रॉब्लम से अगर हमें समझ में आया कि प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम कैसे होती है, उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन बोला जाए तो सोल्यूशन क्या हुआ, प्रॉब्लम का ऑपोजिट है कि नहीं, तो हम आगे चलते हैं। सोल्यूशन हुआ एनी नाउन वर्ब एडजेक्टिव और प्रोसेस दैट इन इट्स मीनिंग इफ फैसिलिटेट्स reduces or mitigates risk, remove hurdles and improve performance of an ongoing or yet to start process is a solution. ये बात से सहमत है सब? Yes. जी ठीक है जी। अब अगर इसमें बात करें, अब उसी प्रॉब्लम पे आते हैं जिसपे हमें हमने अभी बात की थी, ठीक है, हमने बात करी थी क्या कि एक तरह की, मैम से शुरुआत करते, मैडम ने कहा था कि मुझे सहूलियत हुई कि अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, तो वो परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, वो समय को बांध रहा है, जो आप समझाना चाहते थे उस समय में वो उसको भी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है कि नहीं मैम? पर ऐसे में आपकी ड्राइंग खराब हो जाएगी, ऐसा मानते हैं? ड्राइंग से मैं करूंगी सर, साथ साथ में व्हाइट बोर्ड डायग्राम साथ में, साथ में मैं बना भी रही हूं, पर जैसे मुझे पहले बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, वो टाइम रिड्यूस करता है ना। और अब सॉल्यूशन जब हुआ तो सहूलियत हुई, काम करने में आसानी हुई, ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन या ईज ऑफ टीचिंग हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये विचारधारा है कि जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो वो कुछ वैल्यू एड कर रहा हो, या तो वो सहूलियत दे रहा हो, या फिर वो समय को कुछ रिड्यूस कर रहा हो, या फिर वो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा हो, या फिर उसका वो एक लेवल का अपग्रेडेशन कर रहा हो, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, है कि नहीं? अब बात करते हैं आपके कचरे वाली प्रॉब्लम से, ठीक है, कचरा बच्चे फैला रहे हैं तो उसकी सहूलियत कैसे हो, बच्चे को कैसे सिखाएंगे? तो अगर मान लीजिए सबको एक समय दिया जाए, एक पीरियड दे दिया जाए और बोला जाए कि भैया सारा कचरा उठा के डालो डस्टबिन में,
ठीक है, और उसी पे बेसिस में अवार्ड देने शुरू कर दूं कि किसने ज्यादा अच्छा काम किया, तो सबको एंटरटेनिंग लगेगा, सबको लगेगा कि मोटिवेशन है, उनको भी लगेगा कि हमें भी करना चाहिए, कोई अवार्ड मिल जाएगा, है कि नहीं। तो जो नहीं कर रहे होंगे उनका व्यवहार सामने आएगा, फिर उनसे बात की जाएगी कि भैया आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको क्या लग रहा था मन में, फिर उनसे काम करवाना, ताकि हर किसी को ये ना हो कि भाई मैं कचरा क्यों साफ करूं, मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है, मैं तो बड़ी चीज हूं, ऐसा नहीं हो। हर किसी को अपने क्षेत्र को साफ रखने का अधिकार है, उसका वह दायित्व है, वो व्यवहार उनमें डेवलप हो, वो भी एक सोल्यूशन होगा, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। फिर बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की, बात कर रहे थे हम, पहले तो हमने उसकी प्रॉब्लम ही नहीं समझी थी। तो ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम कैसे है, कैसे लोगों को इसके बारे में पता लगने लगता है बच्चों को, और कैसे वो वहां जाने लगते हैं, कैसे वो लोगों से जुड़ने लगते हैं, ये व्यवहार उनमें बना कैसे, ये विचार है। तो क्या होता है बच्चों के दिमाग में जिससे वो उस तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है उनको कि उस तरफ उनको जाने से वो अपने आप को या किसी ग्रुप को या फिर किसी लोगों को कंफर्म कर रहे हैं। और ये सिर्फ इस बच्चों के साथ नहीं है, आप कॉर्पोरेट्स में चले जाइए, अच्छी खासी उम्र के बच्चे, जवान मेरे जितने उम्र के, अच्छे खासे एजुकेटेड, IIMs IITs से पढ़े हुए, वे भी गलत आदतों में पड़ते हैं, व्यसनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी संगत खराब होती है और क्योंकि उनको उस तरीके से ड्राइव किया जाता है। MNCs की बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी MNCs की बात कर रहा हूं, उनके आसपास भी अल्कोहलिक और इन सब के इंस्टीट्यूशन बने, मतलब क्या नाम है, बार्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनका व्यवहार भी खराब हो जाता है। क्यों होता है और क्यों वेस्ट हमें इस चीज को लेकर प्रमोट करने में लगा हुआ है, क्यों वेस्ट को अच्छा लगता है कि भारत इस तरीके से खराब हो जाए, क्यों वेस्ट को अच्छा लगता है कि भारत के अंदर ये प्रॉब्लम, बोल के तो वो प्रॉब्लम आते हैं लेकिन वो देख के हमें कुछ और चले जाते हैं, क्यों करते हैं वो ऐसा। माइक फिर चला गया, स्क्रीन फिर चली गई, आपको स्कूलों के जो बच्चे हैं, आप जब कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या अगर कोई भी लड़का लड़की उसे कैसे सेव करना, सिग्नल पे चला गया सर, सिग्नल में फिर प्रॉब्लम है। जी कोई कोई किसी के पास कोई जवाब कोई देना चाह रहा हो जो हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस करी, बस क्या कारण है कि बच्चे उस तरफ ड्राइव हो जाते हैं, क्या कारण है प्रॉब्लम को अगर आप समझे मूल में जाके, क्या प्रश्न मिलता है। मेरे पास जवाब कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं अभी कोई नहीं कह रहा जी। तो अगर मैं अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में समझूं, स्टूडेंट्स के पास फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है 11वीं 12वीं में। यस यस, एक तो उनकी एजुकेशन की फ्रस्ट्रेशन होती है, दूसरा उनकी उम्र के हिसाब से उनके शरीर में बदलाव आ रहा होता है, जोश होता है, अडॉल्सेंट होते हैं, तीसरा उन्हें लगता है कि उस उम्र में वो कुछ भी करना चाहे वे अचीव कर सकते हैं, वो कुछ छा जाना चाहते हैं समाज में। अब अगर यही छा जाने की जो उनकी उम्र है वह सिर्फ किताब के थ्रू है या फिर किसी स्पोर्ट की तरफ वो नहीं जा रहे अगर, या फिर कोई खेल में नहीं वो जा रहे, तो ऐसे में उनके साथ क्या होता है, यही उनकी जो भावना है वो तीव्र उठती चली जाती है, और ये भावना उनके जो ग्रुप्स बन जाते हैं, जो ग्रुप्स के अंदर बातें होने लगती हैं, वो उन ग्रुप्स को कंफर्म ज्यादा करने लगते हैं। कंफर्म मतलब जो ग्रुप कह रहा है मैं उसकी तरफ चल पड़ूं। और इन जो एडिक्शन प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आप यदि इसकी तरफ चले गए तो छोटे छोटे समय पर आपको लगेगा कि बहुत कुछ खुशी मिल गई आपको, आप कुछ बड़ा अचीव कर गए। तो ये जो बड़ा अचीव करने वाला जो व्यवहार है बच्चों में, आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है जी। अगर ये जो बड़ा अचीव करने का जो व्यवहार बनने लगता है बच्चों में,
ये इनकी मूल प्रॉब्लम है कि इनको लगने लगता है कि ऐसा करने पर ये कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं, पर दरअसल वो उनके नुकसान के लिए होता है, ये उन्हें समझ में तब नहीं आ रहा होता। मूल में क्या है, इनका व्यवहार है। मूल में क्या है, वो उनकी उम्र है। मूल में क्या है, उनका कुछ छा जाने का एक विचार है कि समाज पे कुछ कर देंगे बड़ा करके। क्या वो सर कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, आवाज आ रही है, थोड़ा आपका फोटो नहीं आ रहा। मेरा फोटो नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो रहा सर। मेरा सिग्नल यहाँ पे स्टेबल है, मेरे पास यहाँ पे 5G वाईफाई चल रहा है, 250 Mbps। क्लियर है अब आवाज और फोटो? आवाज आ रहा है जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, दोबारा चेक कर लेता हूँ। कोड क्या दिया हुआ है? स्क्रीन दिख रही है सर? मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? मेरी स्क्रीन क्लियर है सर? एक मिनट सर, हमारी स्क्रीन ही आई है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब वेट करता हूँ, आप ठीक कर लीजिए। ये अच्छी स्क्रीन है। हाँ, ये आ रहा है, मैं मोबाइल से किया था जी सर। ये अच्छी स्क्रीन है, ये अच्छा, इससे अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है इसका। हाँ, यहाँ इससे बहुत अच्छी। हाँ बोलिए, फिक्स कर दीजिए, कैमरे को फिक्स कर दीजिए। कुमार जी की भी आ गई, कुमार जी की भी आ गई। ठीक है जी, मैं बाय बात करता हूँ। हाँ, एक एक व्यक्ति का म्यूट होना होगा। ठीक है, ठीक है जी जी। अपनी बात पे, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सर? वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, वेरी ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो हम बात कर रहे थे, हमने प्रॉब्लम समझ में आई, हमें सॉल्यूशन समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि स्कोप क्या होता है प्रॉब्लम का। ठीक है, स्कोप क्यों जानना जरूरी है? स्कोप मतलब कि उसका कितना, उसकी उसकी लेंथ कितनी है, उस प्रॉब्लम की ब्रेथ कितनी है, वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, उस चीज पर बात करते हैं। तो एनी प्रॉब्लम हुज जियोफिजिकल और ज्योमेट्रिकल
number of those affected, number of adjacent problems and adjacent solutions are actually the entire scope of the problem. अगर मैं बात करूं कि अगर बड़ी प्रॉब्लम है उसके बड़े सारे आसपास की चीजें हो, उसके आसपास की जितनी प्रॉब्लम्स हो, सॉल्यूशंस हो, वो सब के सब वो प्रॉब्लम का पार्ट मानी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि टायर गाड़ियों में सबके है, ठीक है, ये टायर से आप कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर हवा कम हो टायर में तो टायर थोड़ा सा घिसता ज्यादा है, ऐसा होता है. आया ना? Yes. ऐसा होता है जी. फ्रिक्शन पे आर्टिकल दिखाता हूं, रुको. ये इंस्ट्रूमेंट या क्रीम बैट होता है जो IIT बॉम्बे या मंडी या IIT में दुनिया भर के समस्या सॉल्व करते हैं. मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि यदि टायर्स का प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन ना हो तो टायर रोड पे ज्यादा घिसेगा, और यदि वह रोड पे ज्यादा घिसेगा तो उससे PM 2.5 या उससे पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा इंक्रीज होता है, वो रिलीज होता है, है कि नहीं. अब पॉल्यूशन तो होगा, बारिश होगी, वह पानी में घुल के नदियों में जाएगा, नदियों में जाएगा उससे दिक्कत बढ़ेगी, दिक्कतें बढ़ेंगी लोगों के लिए, हेल्थ का प्रॉब्लम बढ़ेगा. तो इससे अगर मैं एक सोचूं कि अगर हम सब एक देशवासी अपने समय समय पर अपनी गाड़ियों के टायर का प्रेशर चेक करते रहें तो कितना पॉल्यूशन हम रिड्यूस कर सकते हैं, है कि नहीं. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है टायर से हवा कम होने के कारण. अगर उसे इंक्रीज कर दिया गया तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स और है साथ में. वाटर पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, वो कम होती है. लोग कितने आसपास इन्फ्लुएंस्ड है, वो कम होता है. तो आप देखिए कि एक सिंगल सॉल्यूशन से कितनी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है कि नहीं. तो यदि आप कोई प्रॉब्लम समाज की लेकर आते हो जिसको आप कहते हो ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो जब आप उसके कोर में चलते जाएंगे, जब आप उसके एकदम बेस में आते जाएंगे, आपको और भी सारी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको रिलेशंस मिलने लगेंगे. फिर एक इनोवेशन इनोवेटर के रूप में, इनोवेटर कौन हुआ? जो एक ही सोल्यूशन से कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो. तो इनोवेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? नवाचार का क्या मतलब है? कि हम कुछ नया लेकर आए जिससे इतनी सारी चीजें एड्रेस होती हैं, जिससे इतनी सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं. एड्रेस जब तक ज्यादा नहीं होंगी प्रॉब्लम्स एक बार में, तब तक इकोनॉमी को बनाना मुश्किल होगा. आप मान के चलिए अगर मैं एक जैसे बल्ब बना, बल्ब कितनी बड़ी इनोवेशन है, ठीक है, कितनी जगहों पे बल्ब काम आ सकता है. इवन अब आपकी बल्ब को छोटा 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 करते चले गए, अब आपकी वो फोन की स्क्रीन बन चुका है. फोन की स्क्रीन भी तो एक छोटा माइन्यूट सा एलईडी लाइट होती है, एलईडी डिस्प्ले होता है, ओएलईडी डिस्प्ले आप कह सकते हैं, या फिर आप और नीचे चले जाएंगे तो एलसीडी स्क्रीन होती है. एलसीडी स्क्रीन भी एक तरह का सिंगल पल्स भेजता रहता है लाइट की, उसी को मैनिपुलेट करके हम क्रिस्टल्स को मैनिपुलेट करके हम लाइट्स की स्ट्रेंथ और उनके कलर्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, वही तो करते हैं. तो सोचने वाली बात ये है, विचार बनाने वाली बात. जी सर, कुछ कह रहे हैं? नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल. हाँ जी बिल्कुल. तो विचार करने की बात ये है कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, अगर आप एक ही सोल्यूशन लेकर आ रहे हो, सोल्यूशन से कई प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती हो तो वो सारी प्रॉब्लम्स और ये सॉल्यूशन मिलाकर उस प्रॉब्लम का स्कोप बनता है कि नहीं. सब यदि अग्री करते हैं इस बात से. Yes. तो जहां तक अगर आप समाज में जाएं, वापस बच्चों से मैं खासकर कहता हूं कि जब आप प्रॉब्लम्स को ढूंढने निकले, आप बनी बनाए प्रॉब्लम्स को सॉल्व मत करें. आप समाज में जाए, समाज की प्रॉब्लम को समझें. आपको प्रॉब्लम क्या होती है समझा दिया गया है, सोल्यूशन क्या होता है समझा दिया गया है. उन प्रॉब्लम्स को आप समझें, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई प्रॉब्लम्स को आप रिलेट करें, फिर उसका एक सॉल्यूशन बनाएं, फिर उसमें नवाचार करें, फिर आप उन सॉल्यूशन को प्रेजेंट करें. आपका स्कूल और आपके स्टूडेंट्स जो भी इस तरह का विचारधारा को लेकर आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे एक रिस्पेक्टेड होती है, और स्कूल को बहुत नाम मिलता है इससे कि बच्चों ने कुछ ऐसा किया, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा एक सॉल्यूशन से सॉल्व किया. उतनी विचारधारा हर बच्चे की होनी चाहिए, उतना थॉट प्रोसेस हर बच्चे के अंदर बनना चाहिए. अब अगली बात करते हैं, ठीक है. अगली बात में मैं कहूंगा
कि हाउ मेनी पीपल डज दिस प्रॉब्लम इफेक्ट। तो इसमें मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, है कि नहीं, इसमें मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, द स्कोप लिमिटेशन एंड बाउंडेशंस डिफाइन एंड रिफाइन द नंबर ऑफ पीपल दैट आर अफेक्टेड। तो जितना बड़ा स्कोप है उसके अंदर, उसके अंतर्गत जितने भी लिमिटेशंस हैं और बाउंड्रीज हैं और उससे जितने लोग इफेक्टेड हैं वो उस प्रॉब्लम का स्कोप माना जाएगा। इस बात से सभी सहमत हैं? जी बिल्कुल जी। अब अगली बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं हाउ सॉल्विंग दिस शैल इंक्रीज माय मेंटल एप्टीट्यूड। मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं तो उससे मुझे क्या फायदा, बेनिफिट हो रहा है, मैं ऐसा इंडिविजुअल कैसे ग्रो कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं कैसे अपने आप को एज ए इंडिविजुअल बेहतर कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी जो एजुकेशन है, मैंने जो अपनी पढ़ाई करी, क्या ये पढ़ाई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त काम आएगी, मैंने जो अपने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े, क्या उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने पर मैं अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं उन्हें सॉल्व करते वक्त क्या ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े क्या वो सुदृढ़ और होंगे, क्या वो बेहतर और होंगे, ये भी हर स्टूडेंट को विचार करना चाहिए। अब वो कैसे होगा, कैसे विचार बनेगा, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे, आप प्रॉब्लम को जब मूल में जाते जाएंगे, आपको एक साइंटिफिक माइंडसेट से ही अप्रोच करना पड़ेगा, और वही साइंटिफिक माइंडसेट आपको मजबूर करेगा इंटरनेट पे जाके सर्च करने पर, वहां पे जाकर आपको बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने पर। उन कॉन्सेप्ट्स को सीखते सीखते आप ये रियलाइज करेंगे कि आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स, आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी भी कई कई सिचुएशन से पढ़ रहे हैं, और साइंस की जब मैं बात करूं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और बड़े सारे और कॉन्सेप्ट्स, साइकोलॉजी वगैरह सब आ जाता है कहीं ना कहीं। तो जब आप किसी मूल में जाने लगेंगे चीजों के, आपको साइंटिफिक माइंडसेट लेकर आना है और वहां पे अपना दिमाग लगाना है जी, बैठिए उस प्रॉब्लम पे, सोचिए उसके साथ, समय जितना देंगे उस प्रॉब्लम को, वही प्रॉब्लम आपको समय के साथ बेहतर बनाने लगेगी। अब मैं क्या सॉल्व करता हूं, मेरा क्या काम है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं जी, मेरी कंपनी है कंट्री ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मैं उस कंपनी का फाउंडिंग डायरेक्टर हूं। हमारा काम होता है किसी भी तरह के सिस्टम को स्वचालित बना देना। आपके पास कोई सिस्टम है, आप हमें लेकर आइए, उसकी प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसे फुली ऑटोनॉमस बना देंगे, आपने बटन दबाना है, आपके हाथ पीछे वो अपने काम करता रहेगा। इस तरीके से हम उसे बनाना चाहते हैं, ये हमारी विचारधारा है, इस चीज को लेकर हम चलते हैं, इस चीज को हम लेकर आगे बढ़ाते हैं। अब अगली बात करते हैं कि सिनर्जी इन लॉ ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, राइट। यहां पर मैं आप सभी को समय दूंगा, इस स्टेटमेंट को पढ़िए, जो अगला वाला ऑरेंज कलर का एरो है, उस ऑरेंज कलर के एरो से आप सबको क्या एक हिंट मिलता है या क्या एक संदेश मिलता है, आप आपस में डिस्कस करिए और एक एक, एक वो लेकर आइए, मैं एक स्टेटमेंट लेकर आइए। मैं आपको 5 मिनट देता, 2 मिनट देता हूं इसके लिए। सिनर्जी इन लॉ ऑफ कनेक्टिविटी एंड मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल में एक से ज्यादा जो समाधान देते हो, मतलब आप कैसे इस चीज को अपने आप कनेक्ट करें जिनसे बहुत सारे समाधान हो सके। जैसे हमारे स्कूल है ना, इसमें एजुकेशन का है, ड्रग एडिक्शन का है, बिजनेस, आप कैसे समाधान आगे ला सकते हैं, पहले तो आप उसके बारे में सोचें, फिर उसके बारे में आइडिया लेंगे, फिर इनोवेशन डेवलप करेंगे। आपकी इनोवेशन से कोई चेंज आ जाता है तो दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे मान लो सफाई का, आपका सारा स्कूल साफ हो, इट इज योर इनोवेशन। आपकी सराउंडिंग, आपका घर, आपका इलाका, तो आप में कैसे एक ऊर्जा आएगी, कैसे कनेक्ट करेंगे मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने, सोचिए कोई भी समस्या ले लो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, समाधान कैसे करना है, और योगा इज अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम प्रेवेलेंट इन द सोसाइटी, ने बोला है, वो क्यों बोला, माइंड सेट। जब आपका माइंड सेट चेंज होगा तो आप पढ़ने शुरू करेंगे, दूसरे काम अच्छे भी, आपके माइंड में ऐसे आइडिया नहीं आने लगेंगे, आप हमें सुझा तो कुछ भी बोलिए, आप बोल रहे योगा से, वो बोलेगा योगा से कैसे होगा, जब हमारी ब्रेन, हमारी जो ऑक्सीजन आएगी, ब्रेन हमारा
जी हाँ बोलो खड़े हो गए। मैंने एक बात कही, योगा योगा इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स प्रेवेलेंट इन सोसाइटी। हाउ व्हेन वी डू योगा ऑक्सीजन इज वी कैन कॉल एलिक्सिर। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल गो टू आवर ब्रेन्स थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आवर ब्रेन विल बिकम मोर एनर्जेटिक एंड वी थिंक लॉजिकली scientifically and give the solutions. And as per your instruction, how to find out and to make its solution, it is depend on us individual awareness and how we can interact with all people. It will depend. Right sir, बिल्कुल सही बात कही आपने कि योगा से बहुत कुछ योगा से जो आपने कही योगा से ही होगा। जी बिल्कुल योगा से ही होगा। लोग योगा करते हैं आप बच्चों? मैं 20 साल से कर रहा हूँ, लास्ट 20 इयर्स। अरे वाह बहुत सही सर। मैं भी यहाँ पे दिल्ली में करता हूँ, मेरे पास एक राजीव देसाई इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, मैं वहीं से सीखता हूँ और मैं भी योगा रोज कर रहा हूँ एवरी डे 2 घंटा। बहुत अच्छा। बच्चे करते हैं यहाँ पे अपने प्रिंसिपल साहब से सीखते हैं आप लोग? कितने लोग करते हैं बच्चों? नहीं करते इतना रेगुलरली नहीं कर रहे हैं। आई वांट टू टीच देम रेगुलरली इन द कैंपस नेक्स्ट मंथ फ्रॉम न्यू ईयर। आप सर शुरू आपके पास क्लियर है? चार चीजें बोली मैंने इंस्टीट्यूशन में करेक्ट करने के लिए। फर्स्ट एकेडमिक, हाउ टू इंप्रूव एकेडमिकली। सेकंड, वी हैव टू डेवलप को-करिकुलर एक्टिविटीज, सहसंज्ञात्मक गतिविधियों को कैसे बढ़ाना है। तीसरा है योगा। चौथा है कंपटीशंस, हाउ टू फाइट कंपटीशंस। एंड लास्ट दैट इज इंटरेक्शन विद द पीपल एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। राइट सर, वी कैंपेन अबाउट क्लीनिनेस, ड्रग एडिक्शन एंड आल्सो स्टार्टेड अबाउट द योगा। एंड योर यहाँ पे दिल्ली में पता है क्या है, एक टीचर प्रिंसिपल को मैंने कई बार बात करी, दिल्ली में भी लोगों ने योगा सेंटर्स और अपने स्कूल्स में खोले, मतलब स्कूल्स के अंदर ही उन्होंने योगा क्लासेस चालू करी। अब होता यह है कि बच्चा सुबह खाना खा के आता है और फिर पहले क्लास योगा की कर रहा होता है, तो ये भी कई स्कूल के प्रिंसिपल को कहा कि भैया ऐसा ना करना, बच्चा पहले आ जाए योगा कर ले, फिर अगर उसको आप नाश्ता दे रहे हो तो नाश्ता दे सकते हो। अच्छा एक चीज और सर मैं आपके साथ ऐड करना चाहूंगा आपकी इनिशिएटिव्स में कि मिलेट बेस्ड फूड सरकार बहुत बात करती है, श्री अन्न करके जो हमारे मिलेट्स हैं या फिर हमारे जो खनिज है उनको उनके ऊपर सरकार बहुत जोर डालती है। तो अगर आप जैसे दिल्ली में क्या है कि स्कूल्स को ज्यादातर बच्चे जो आप कैंटीन वगैरह में जाते हैं ब्रेड पकौड़ा समोसा तलावा या फिर पैटीज वगैरह खाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, मिलेट बेस्ड फूड की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मेरी विचारधारा है। मैं सबके सारे प्रिंसिपल्स पे यहाँ पर भी बोलता रहता हूँ। We can say about मोटा अनाज। हाँ मोटा अनाज। हाँ यस, बारले मक्के बहुत सारी चीजें, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट होता है एंड वी कैन ड्राइव मोर मिनरल्स इनटू आवर बॉडी, रिक्वायरमेंट की मिनरल्स। उसी को प्रमोट करने के लिए मैं अपने यहाँ के दिल्ली के स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी कहता हूँ। तो आप भी एक प्रिंसिपल है तो आपसे भी यही गुजारिश होगी साहब कि आप अपने क्षेत्र में भी बाकी प्रिंसिपल्स को मिलकर इस पे काम करें और मिलेट बेस्ड फूड को स्कूल में प्रमोट करें, तलावा खाना बच्चा कम खाए और मेंटल एप्टीट्यूड उनका धीरे धीरे ऐसे करके इंक्रीज हो। चलिए साहब अगली बात पे आते हैं। आई एम हेड ऑफ 10 स्कूल्स क्लस्टर ग्रुप एंड वी वांट टू कैंपेन अबाउट दिस इश्यूज, आई हैव मेड द लिस्ट। जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, सिनर्जी लॉ ऑफ कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे थे तो उसमें मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, द बेसिक अपॉर्चुनिटीज एंड लिंकेजेस अमंग अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सिनर्जी बिटवीन सॉल्यूशंस। तो जैसे मैंने कहा कि बड़े सारे आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप निकालने की कोशिश करेंगे, हर कोई सॉल्यूशन के बीच में कई चीजें कॉमन मिलेंगी, तो आप उनको सभी प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सिनर्जी में सॉल्व किया जा सकता है, इनके अंदर कनेक्टिविटी है कहीं, उस कनेक्टिविटी को आप समझने लगेंगे तो जो आपने सॉल्यूशन निकाला है उस सॉल्यूशन के भी मूल व्यक्तित्व में पहुंचने की आपको ताकत मिलेगी। ये हम वहां जा रहे हैं, मैं बात
कई सारी प्रॉब्लम थी, उनके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस थे कहीं कहीं, उन सॉल्यूशंस का मैंने अध्ययन किया, उनका सॉल्यूशंस को मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि इनके सॉल्यूशंस में भी आपस में लिंकेजेस हैं। उन लिंकेजेस को मैंने समझा और उससे फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला जिससे कि मेरी सारी बड़ी बड़ी जितनी सारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने लगी। तो यकीन मानते हैं कि जैसे आप योगा से ही होगा, आप अगर बिजनेस पे चले जाएंगे, योगा बहुत बड़ा सोल्यूशन है, ये सारी चीजों को सॉल्व करता है जी। बहुत अच्छा आपने सर बोला, मैं ये बात पे आता हूं। Would not men not to bother? Right? ऐसी भी होती है जहां पर हम कुछ नहीं भी कर सकते, हमें सब कुछ नहीं बदल देना। कई कई सिचुएशन ऐसी भी आएंगी जहां पर हमें एड्रेस करना है, कितना हमें एड्रेस करना है, तो कहां तक करना है, कैसे तक करना है, उसकी बात भी करेंगे। तो नेगोशिएटिंग बिटवीन एवरीडे लाइफ विद प्रॉब्लम्स इफ इंक्रीजेस सेल्फ प्रोडक्टिविटी मस्ट बी हैंडल्ड, अदर्स मस्ट बी डिस्कस्ड, प्रॉब्लम आउट ऑफ स्कोप शुड नेवर बी टच्ड। इतने का मतलब आपको मजा आने लगा है, आपका व्यवहार उसमें अच्छा हो रहा है, आप उसे करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको आप सिर्फ बातों बातों में ही रख पाएंगे, आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें उनके पास पहुंच नहीं सकते, उन्हें सॉल्व करने की क्षमता आप में शायद ना हो, उतनी डिस्कस होनी चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी है जो आपके बिल्कुल ही स्कोप से बाहर है, आपको पता ही नहीं है वो, उसके ऊपर तो आप कभी बॉदर करोगे भी नहीं, ये विचार है। तो आप अपने लोकल को समझिए, ये विचारधारा मैं हर किसी को, हर स्कूल को प्रमोट करता हूं कि आप अपने लोकल को समझिए, अपने ही स्टूडेंट्स को समझिए, अपने स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को समझें, और वहां पे जो प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हो उन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका मेंटल एप्टीट्यूड इंक्रीज होगा, आपका साइंटिफिक रिगर इंक्रीज होगा, आपका अप्रोच टुवर्ड सोसाइटी टुवर्ड सेल्फ इंक्रीज होगा, बेहतर होगा। अगली बात करते हैं जी, लास्ट पॉइंट पे आएंगे, वेन टू लुक फॉर अ मेंटर, कि मेंटर की तरफ कब जाना चाहिए, शिक्षक या टीचर या फिर गुरु की तरफ कब जाना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे जी। इफ स्टक विद इन इन अ सिचुएशन वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड लर्निंग न्यूअर कॉन्सेप्ट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी व्हाइल इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉब्लम, देन वन मस्ट कंसिडर टू टॉक टू अ रेलेवेंट मेंटर। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आप कुछ प्रोसेस पे चल रहे थे, आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, आप सॉल्व करते करते ऐसा हुआ कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको नए कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने से प्रॉब्लम इंक्रीज कर रहे हैं या प्रॉब्लम बढ़ रही है या फिर मुसीबत खतरनाक होती जा रही है, इस सिचुएशन में आपको किसी मेंटर को जाके कंसल्ट करना चाहिए। उस समय में आपको गुरु के पास जाके मांगनी चाहिए मदद। मदद मांगना कोई गलत काम नहीं है, मदद मांगना एक बहुत अच्छा व्यवहार है, समाज का एक स्तंभ है। बिना मदद के कुछ नहीं है, बिना मदद के ना कोई देश चल पाया है ना कभी चलेगा, मदद मांगनी चाहिए। इसलिए अगर आपको लगे कि नहीं मैं इससे नहीं हो रहा है, मैं फंस रहा हूं या फंस रही हूं, मेरा जो सॉल्यूशन मैं निकालना चाह रहा था, मैं निकालना चाह रही हूं, नहीं मैं ही निकालूंगा या मैं ही निकालूंगी, इस विचार में नहीं पड़ना है। अगर लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, आप अपने टीचर के पास जाइए, टीचर से नहीं हो रहा है टीचर अपने बाकी टीचर से डिस्कस करें, बाकी टीचर से नहीं हो रहा है मेंटर से डिस्कस करें, मेंटर से नहीं हो रहा है मेंटर एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और अदर एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं से उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे, उस पर चर्चा जरूर होगी। बट हाँ, आप अपनी प्रॉब्लम को समय दें, आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं उसके साथ अड़े रहिए, छठी सातवीं में अड़े रहिए, या फिर कॉलेज में आने वाले हैं ग्यारहवीं बारहवीं में तब भी अड़े रहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे चलते रहिए। किसी ना किसी दिन आपको ये रियलाइज होगा कि जो ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है। और माइंडसेट को ओपन रखिए, ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी तरीके से को बार बार करते रहना है, उसी जगह पे ठक ठक करना है, नहीं, आप और भी तरीके निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, जितनी ज्यादा ब्रेथ होगी, उतना ज्यादा आपकी समझ प्रॉब्लम को लेके बढ़ेगी और उतना ज्यादा अच्छा से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को राष्ट्र में बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं है, हम कोई क्या नाम है कोलू के बैल नहीं है जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में चलेगा और सुबह से लेकर शाम हमारी बीत रही है, शाम को आके अब दोस्तों के बीच में रेस्टोरेंट में जाके बातें बातें हो गई और हमारा दिन गुजर रहा है, नहीं।
आप एक पर्पस से जीजिए, आप एक विचारधारा से जीजिए, आप एक एक थॉट प्रोसेस को लेकर, आप अपना एक 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 आउटलुक लेके जाइए राष्ट्र को लेकर, आप ये लेके जाइए कि मैं राष्ट्र में ऐसा करने की क्षमता रखता हूं, मैं रखती हूं, उसको लेके आप आगे बढ़िए। ये विचारधारा हर बच्चे में होनी चाहिए, ये थॉट प्रोसेस हर बच्चे में होना चाहिए कि मुझे देश के लिए कुछ बड़ा, कुछ डेवलप करना है, चाहे छोटे से शुरू करें लेकिन मुझे कुछ करना है, उस विचारधारा को लेके मन में चलना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का सेशन अब एंड करूंगा। यदि किसी के पास कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कोई अपनी कुछ पेश करना चाहता हो या कुछ बताना चाहता हो, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष जी, वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रोवाइड द राइट इनपुट टू एस्टेब्लिश एज ए एटीएल हियर एट आवर स्कूल। एंड वन प्रॉब्लम इज देयर, आई हैव सेड अबाउट अ क्लीननेस, देयर इज अ टॉपिक व्हाट चंडीगढ़ इज अ सेफ सिटी। I have said Chandigarh is not a safe city. Then they asked me, how you have said like this? I have said that there is a reservoir of infection pools around the 12th sector, which causing infection to entire Chandigarh. How we can say that Chandigarh is a safe city? All ideas and innovation are always welcome in our institution. And I consider you as brand ambassador of new innovation program. Thank you very much. किसी का कोई सवाल सर, पीछे बच्चों में कोई सवाल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर एक मिनट के लिए बंद कर देता हूं। आपके लिए जरूरी कोई कुछ कहना चाहता हो, कोई विचार किसी के पास, कोई थॉट, कोई सवाल? हमारे पास अगले 5 मिनट और हैं, उसके बाद फिर हम सेशन को एंड करेंगे जी।